हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल DDM फार्मा क्लासेस में। टुडे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स कार्डियम के बारे में। हम लोग कार्डियम के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे, हम लोग उसकी बेहतर नोट्स बनाएंगे जो हम आज बताने वाले हैं आपको एक बेहतरीन शॉर्ट वे में, एक ट्रिक के साथ, ज़बरदस्त ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्डियम को। कार्डियम हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर, जो मैंने लिख दिया ऊपर, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम फार्माकोनोसी है। उसमें कई ड्रग्स है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। कार्डियम को यूज क्या होता है, कार्डियम का साइनोनिम्स क्या होता है, जो भी है हम सब चीज़ों के बारे में डिटेल से और शॉर्ट वे में पढ़ेंगे। मतलब नोट्स बेहतरीन बनेगी आप लोगों की और लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग याद ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्डियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका साइनोनिम्स। साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो जो साइनोनिम्स होता है, साइनोनिम्स का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का दूसरा नाम, या तो हिंदी में इसे पर्यायवाची बोलते हैं। आप इसे पर्यायवाची बोल सकते हैं, साइनोनिम्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर जैसा आपको समझ में आए। तो हम लोग उसके साइनोनिम्स के बारे में जानने वाले, इसका जो साइनोनिम्स है उसका नाम है कार्डियम फ्रूट्स। हम लोग लिखेंगे कार्डियम फ्रूट्स एंड कार्डियम सीड्स, उसके बीज और उसके फल। उसके बाद एक इसका साइनोनिम्स और है जिसका नाम इलायची, आप सब लोग जानते होंगे। क्या नाम है उसका? इलायची, वेरी पॉपुलर नेम, वेरी पॉपुलर नेम इलायची, ये सब लोग जानते हैं दोस्तों। इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका बोटैनिकल सोर्स। क्या पढ़ने वाले दोस्तों? बोटैनिकल सोर्स। आप लोग देख रहे हैं इसका जो बोटैनिकल सोर्स है दोस्तों, उसका नाम इलिटेरिया कार्डियम है। इलिटेरिया कार्डियम, तो हम लोग इसमें कुछ चीज़ें लिखने वाले हैं आप लोग, जिससे आसानी से समझ में आ जाए। जैसा कि हम लोग लिखेंगे, आपको बताएंगे, जैसा कि कार्डियम कॉन्सिस्ट ऑफ द ड्राइड रीफ्स सीड्स ऑफ इलिटेरिया। क्या नाम है? इलिटेरिया, ये हो गया हमारा इलिटेरिया कार्डियम। इलिटेरिया कार्डियम हो गया, ठीक है, ये हमारा इसका ये बोटैनिकल सोर्स हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका फैमिली नेम। फैमिली नेम क्या होता है उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। इसकी जो फैमिली होती है उसका नाम जिंजीवरेसी है। क्या नाम है? जिंजीवरेसी, ये इसका फैमिली नेम हो गया जिंजीवरेसी, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं इसका जियोग्राफिकल सोर्स। क्या जानने वाले हैं? जियोग्राफिकल सोर्स। दोस्तों जियोग्राफिकल सोर्स जो, वो ऐसा चीज़ होता है जो किसी भी व्यक्ति के बारे में बताता है कि वो कहाँ पास पाया जाता है या उसका प्रॉपर स्थान मिलने का कहाँ है। तुम लोग उसके बारे में देखेंगे, तुम लोग देखने वाले, ये मेनली हमारे साउथ इंडिया में पाया जाता है, जैसा कि केरला है, कर्नाटका है और श्रीलंका में भी पाया जाता है। तुम लोग इसमें नोट्स के थ्रू नोट्स कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, उसमें कैसे क्या लिखना है। तो आइए देखते हैं, जैसा कि हम लोग लिखने वाले हैं, इट इज कल्टीवेटेड, इट इज कल्टीवेटेड इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया।
इट इज़ कल्टिवेटेड इन साउथ इंडिया एंड जस्ट जैसा जस्ट लाइक कर्नाटका या केरला, ठीक है, मोस्टली प्रोडक्शन इन केरला एंड कर्नाटका ठीक है, इन इंडिया एंड जैसा कि हमारा वो श्रीलंका है तो एंड आल्सो इन श्रीलंका, ये हमारा ज्योग्राफिकल सोर्स हो गया, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या केमिकल कंस्टिट्यूएंट, दो में से किसी एक के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पहले कल्टीवेशन एंड कलेक्शन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने केमिकल कंस्टिट्यूएंट को लिख दिया है जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। आइए देखते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट में हमारा पहला पॉइंट है, इट इज़ लार्जली पेरेनियल हर्ब, मतलब ये 12 महीना वाला हर्ब है, मतलब 12 महीने में ये औषधि पाई जाती है। उसके बाद हमारा सेकेंड है, लार्जली कल्टिवेटेड इन फॉरेस्ट 2500 से 5000 फीट अबव सी लेवल, मतलब समुद्र के लेवल से 2500 से 5000 फीट ऊपर पहाड़ियों में पाया जाता है, जंगलों में पाया जाता है, ठीक है, नॉर्थ वाइनाइड में ऐसा पाया जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, द सीड्स आर फर्स्ट सो इन नर्सरी, मतलब सबसे पहले ये नर्सरी में उगाया जाता है, इसको लगाया जाता है, उसके बाद ट्रांसप्लांट करके इसको मॉइस्ट सॉइल में लगाते हैं, ठीक है, नमी वाली जगह पे इसको लगाते हैं। उसके बाद ऑब्टेंड आफ्टर थर्ड ईयर टिल 6 to 7 ईयर, मतलब इसको जब प्राप्त करते हैं तो 3 साल के बाद और 6 से 7 साल के आसपास इसको इसका कलेक्शन करते हैं, इसमें से जो अपना होता है उसके लिए। उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट देखने वाले हैं, तो इस लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इट्स फ्लावर इन अप्रैल एंड मई, मतलब जब इसका फ्लावरिंग टाइम होता है वो अप्रैल और मई होता है, क्योंकि पेड़ तो हमारा लग जाता है, 6-7 साल तक चलता ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल मई में हम इसका देखेंगे, इसका फ्लावरिंग। उसके बाद एंड द फ्रूट गैदरिंग, जब इसका फल होता है, वो फल का टाइम होता है हमारा स्टार्टिंग अक्टूबर में, ठीक है, फ्रूट के लिए। तो हम लोगों ने इसको देखा, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखते हैं, इसमें क्या क्या हमको लिखना है। सबसे पहले हम लोग इसमें जो लिखने वाले कलर के बारे में, इसका कलर देखते हैं, इसका कलर होता है येलो, ठीक है, येलो बफर होता है, इसका कलर हो गया। इसका साइज देखते हैं, तो साइज इसका 1 to 2 mm होता है, सॉरी mm लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद इसका जो शेप देखते हैं, सरफेस हमारा जो होता है, इसका सरफेस स्मूथ होता है, स्मूथ, ठीक है, और इसका जो शेप है वो अवॉइड बोलते हैं इसको। दोस्तों, ये हमारा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में, और उसके बाद लास्टली हमारा यूज होगा। फ्रेंड्स, मैंने इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट बताने का सोचा, तो आप लोग देखते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्नोल के बारे में, उसका स्ट्रक्चर भी जानने वाले हैं, उसके बाद पढ़ेंगे सिनोल के बारे में, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और अल्फा टर्फिनॉइल है, इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जो भी है, उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे हम लोग इसी केमिकल कंस्टिट्यूएंट के लिए। फ्रेंड्स, आइए इसका नामकरण कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन किसका स्ट्रक्चर है। तो ये जो फर्स्ट वाला है, इसका नाम है बर्नियोल, क्या नाम है, बर्नियोल, ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर, और ये थर्ड नंबर। जो सेकंड नंबर का है उसे बोलते हैं सीनियोल, सी नियोल हो गया। उसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर में है, इसका नाम जो है ये है हमारा अल्फा टर्फिनियोल हो गया। उसके बाद कुछ चीज़ें और, जैसा कि हम लोग साथ में इसके जानने वाले हैं, तो इट इज आल्सो कंसिस्ट
स्टार्च, स्टार्च हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं फिक्स्ड ऑयल के बारे में, फिक्स्ड ऑयल में पाया जाता है। उसके बाद प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, ठीक है, प्रोटीन्स भी हो गई। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम हो गया। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ऑक्जिलेट एसिड सॉरी, ये हमारा ऑक्जिलेट एसिड। और सम विटामिन्स, सम विटामिन्स भी पाए जाती हैं इसी के अंदर। ये इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं यूज के बारे में, इसका यूज कैसे और कैसे क्या होता है उसको देख लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, बट कोई बात नहीं, आप लोग मैटर देखते जाइए। इसका यूज़ हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स, आइए इसको यूज़ देख लेते हैं। तो इसका यूज़ जो है वो देखते हैं। कार्डमम इज़ यूज एज एरोमेटिक, फर्स्ट है एरोमेटिक, कार्मिनेटिव, स्टिमुलेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इट इज़ यूज एज स्टोमिक, एक्सपेक्टोरेंट, डाइजेस्टिव, ठीक है, इसमें यूज होता है। उसके बाद ये डिजीज़ हैं। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा हो गया, ये ब्रोंकाइटिस हो गया, कफ हो गया, और नोज़िया है, वोमिटिंग है, हेडेक है, डायरिया है, कोल्ड है। मैं इसको ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको यूज वो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, सब में यूज होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कंप्लीट होता है यहाँ तक। हम लोग पढ़ चुके हैं कार्डमम के बारे में, अगला वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको आगे बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो कब तक हमारा आएगा। अगर आप लोग हमारा सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमारा ये फार्माकोनोसी के नाम से हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैं पहले भी कई वीडियो स्टार्टिंग से बना चुका हूँ। लेक्चर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं कार्डियोलॉजी, उसके बाद हम लोग इधर ये पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव, ठीक है। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आपको हो वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।